नमस्कार दोस्तों, विवेक डॉट इन में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार, मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस, एक यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A15 5G, दूसरा है मोटो G34 5G। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही फ़ोन में आपको एंड्रॉइड 14 मिल जाता है। UI की बात करें तो कस्टम UI के साथ आता है मोटो G34, वहीं सैमसंग A15 में आपको मिलता है वन UI का वर्जन 6.1 जो कि लेटेस्ट है। प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो MediaTek का डायमेंसिटी 6100 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है F15 में, जो कि 6 नैनोमीटर पर रन करता है। इसकी दो कोर है 2.2 GHz कॉर्टेक्स M76 की और 6 कोर है 2 GHz कॉर्टेक्स M55 की। माली G57 MC2 आपको मिल जाता है यहाँ पर GPU। वहीं बात करते हैं G34 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये भी 6 नैनोमीटर पर रन करता है। यहाँ पर दो कोर है 2.2 GHz क्रियो 660 गोल्ड की और 6 कोर है 1.7 GHz क्रियो 660 सिल्वर की। एडिनो 619 से आपको मिलता है यहाँ पर GPU और दोनों ही फ़ोन में 4GB की रैम अवेलेबल है। दोस्तों ये था दोनों ही फ़ोन का हार्डवेयर, दोनों ही फ़ोन में 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर आपको दिया गया है। देखते हैं स्पीड में कितना डिफरेंस आपको दोनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों ही फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। उससे पहले आप दिखा सकते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की रैम क्लियर है, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे दोनों ही फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। बात अगर स्पीड की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A15 स्लो है, मोटो G34 थोड़ा सा फास्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाता है। अब बारी आती है रैम मैनेजमेंट की, दोनों ही फ़ोन में 4GB की रैम है। देख लेते हैं किस फ़ोन के बैकग्राउंड पर कितने एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, रैम मैनेजमेंट में यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं था। लेकिन स्पीड की अगर बात करते हैं, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F15 थोड़ा सा स्लो है, यानी कि आज का विनर है यहाँ पर मोटो G34 5G। और ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी F15 5G और मोटो G34 5G के बीच स्पीड टेस्ट कंपेरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।